हर स्टूडेंट को अपनी कॉलेज लाइफ का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। हर स्टूडेंट सोचता है कि कब वो स्कूल पास आउट करे और कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सके, बाहर घूमने जा सके और मौज मस्ती कर सके। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कॉलेज लाइफ मौज मस्ती के साथ साथ आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक देकर जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कॉलेज लाइफ कौन सा सबक सिखाती है आपको। स्कूल लाइफ से अलग कॉलेज लाइफ की अपनी ही बात होती है, जहां आप नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, लोगों को जानते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करते हैं और आप जीवन की वास्तविकता को पहचानते हैं। इस बारे में हमने स्टूडेंट से पूछा कि नए दोस्त बनाकर और लोगों को जानकर उनको कैसा लगा। आइए जानते हैं स्टूडेंट्स का क्या कहना है। हम सब फर्स्ट ईयर के हैं, तो नया कॉलेज, नए लोगों से मिलना, इट्स लाइक वेरी गुड। आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं स्टडीज में, सो आप उनसे स्टडी मटेरियल, सो कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्ती में ज़्यादा बिलीव करते, तो उनके साथ मस्ती भी, तो हर चीज़ अपने टाइम पे हो जाती है। कॉलेज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कोई कहीं ऊँची जगह से आया है, कोई कहीं से आया है। इट्स फन, आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जानते हो, उनके साथ घुल मिल के रहना एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है, सो इट्स वेरी नाइस, अमेजिंग। नए दोस्तों से मिलकर मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे मैं कॉलेज में आया बहुत अकेला अकेला सब था मैं, पर फिर धीरे धीरे मेरे सारे दोस्त बने, एक दोस्त बना, फिर बहुत सारे दोस्त बने, धीरे धीरे बनकर उन्होंने मेरे को सिखाया क्लासेस बंक नहीं करनी, क्लासेस अटेंड करनी है, वहाँ पर क्या क्या सीखना है, कैंटीन में साथ बैठ कर खाना खाया लोगों के साथ और टीचर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट किया, सबसे बातें करी। एक और सीख है जो कि कॉलेज लाइफ से आपको मिलती है, वो है मनी मैनेजमेंट। आप अपनी पॉकेट मनी से कैसे पैसों का मैनेजमेंट करें, ताकि आप उन्हीं पैसों में घूम फिर भी सके और उसके बाद भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए हमने स्टूडेंट से पूछा कि वो अपनी पॉकेट मनी से अपने पूरे महीने का खर्चा कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या आंसर है। एक्चुअली पॉकेट मनी इज अ पार्ट जो हम सारे डेली मंथ्स में लेते हैं, तो मैं अपनी पॉकेट मनी को ज़्यादातर ट्रैवलिंग पे स्पेंड करती हूँ, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट एंड हाफ ऑफ आई गिव इट फॉर फूड एंड हाफ फॉर कन्वीनियंस एंड सम टाइम फॉर पार्टी। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, थोड़े टाइम के लिए तो यही फिगर आउट करने में लग गया था कि हमें मेट्रो कहाँ से लेना है और बस कहाँ से लेना है, या इफ कैब इज़ द बेटर ऑप्शन। लेकिन उसके बाद जब ये सॉर्ट आउट हो गया, तो पॉकेट मनी हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते थे अपने जंक फूड और कभी कभी वो बाहर जाने के लिए मूड बना तो फिर चले जाते। तीसरा पार्ट है जो कॉलेज लाइफ आपको पढ़ाती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जब आपके सर पर आपके माता पिता का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आपके टीचर भी नहीं होते आपको टाइम टाइम पर टोकने के लिए, तो आप कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं और उन चीज़ों से दूर रहते हैं जो वास्तव में आपके लिए बुरी है। इसलिए हमने स्टूडेंट से पूछा कि आपको कितना लगता है कि कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इस पर स्टूडेंट्स का क्या कहना है। मज़ेदार है, बट स्कूल कंपैरेटिवली ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करता था, बट कॉलेज में इतना नहीं है सेल्फ डिसिप्लिन। कॉलेज लाइफ में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उतना मज़ेदार तो नहीं है जैसे मूवीज़ में दिखाई जाती है, पढ़ाई वगैरह होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मूवीज़ में जो दिखाया जाता है कॉलेज लाइफ के बारे में, असल में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है, अगर आपके अटेंडेंस ना हो तो आपको एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। कॉलेज लाइफ इज़ ऑसम, आप अपने आप चीज़ों को करना सीखते हो। स्कूल में जब हम होते हैं तो टीचर्स हमें हर चीज़ के लिए कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे वो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी मैंडेटरी, बिकॉज आप क्लासे नहीं लेना चाहोगे, आप क्लास के बाहर बैठे हो तब भी कोई आपको बुलाएगा नहीं, बट वो सेल्फ डिसिप्लिन काम में आता है और उसी के साथ आप कॉलेज लाइफ को पार कर सकते हो सक्सेसफुली। कॉलेज लाइफ की एक बात तो अच्छी है कि यहाँ पर आपको टाइम टेबल फॉलो नहीं करना पड़ता, फ्रेंड्स के साथ घूमने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन ये बात भी पक्की है कि आपको टाइम टेबल बना लेना चाहिए। इसी पर हमने स्टूडेंट से जाना कि मजेदार एक्टिविटीज के दौरान वो कैसे समय निकालते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था। टाइम मैनेजमेंट मेनली, कॉलेज में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, इन सब के साथ इंजॉय करने के बाद अपना सेपरेटली मोर देन वन आवर इज इनफ फॉर स्टडीज़ ओनली।
पढ़ने के लिए समय तो अभी तभी निकालती हूँ ज़्यादातर जब एग्ज़ाम हो, तो एग्ज़ाम से पहले समय निकल ही जाता है क्योंकि मार्क्स की थोड़ी चिंता लग जाती है, इसलिए तभी पढ़ाई होती है कॉलेज में। तो एक पुरानी कहावत है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, यानी कि कॉलेज लाइफ के बिना आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉलेज लाइफ ही है जो आपको जिंदगी की वास्तविकता से परिचय कराती है। इसके बिना आप जिंदगी के सबक नहीं ले पाते। तो इस वीडियो में आपको ये तो पता लग गया होगा कि कॉलेज लाइफ आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट कदम निभाती है।